अच्छा मामला है। हमें तो ऑलरेडी पता था जब उसने AFA में ट्रेनिंग किया तो उसको पासिंग आउट पे जो इंडक्ट किया गया MI-17 पे, उस समय भी वो फर्स्ट लेडी थी। और कल जो हमारी बेटी ने उसको एज ए कैप्टन, क्रू कैप्टन उसको उड़ाया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने भगवान का शुक्रिया भी किया। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਰੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ MI-17 ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰੁਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰੁਲ 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ MI-17 ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਰੁਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਪਾਰੁਲ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੱਲ MI-17 ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਗਈ? अच्छा माहौल है। हमें तो ऑलरेडी पता था जब उसने AFA में ट्रेनिंग किया तो उसको पासिंग आउट पे जो इंडक्ट किया गया MI-17 पे, उस समय भी वो फर्स्ट लेडी थी। और उस समय के जो एयर चीफ मार्शल श्री अरूप रहा जी थे, उन्होंने स्पेशली हमें बुला के वेलकम किया और हमारा धन्यवाद भी किया कि ये फर्स्ट टाइम हम लेडी जो है इस पर इंडक्ट कर रहे हैं MI-17 पे, जो आज तक किसी लड़की ने नहीं उड़ाया। और कल जो हमारी बेटी ने उसको एज ए कैप्टन, क्रू कैप्टन उसको उड़ाया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने भगवान का शुक्रिया भी किया और पूरे देश में गौरवान्वित भी हुए हैं। और हम चाहते हैं कि उसकी तरफ देख देख के और भी लड़कियां आगे आएं और हर किसी का बच्चा जो है ऐसे आना चाहिए, इनिशिएटेड होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया मिसाल पेश की है, तो ऐसा होता रहेगा, लोगों में इंस्पिरेशन आती रहेगी। पारुल ने कल जब उड़ान भरी उसके बाद परिवार में कैसा रिएक्ट किया? पहली लड़की है वो हमारे घर में, मतलब कि जिसने ऐसे सिलेक्ट हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। हमारे घर में बहुत अच्छा खुशियों का माहौल है, ऐसे ही भगवान सबकी बेटियों को ऐसा ही टाइम दे। लड़कियों के लिए बारे में क्या कहना चाहती हो, जो लोग आज लड़कियों को मार देते हैं या लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं करना चाहिए? मतलब कि लड़कियाँ भी एक देवी का रूप होती हैं, मतलब कि लड़की को जो पहले ही मतलब ऐसे कर देते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकालना, ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल है, अपना बच्चा सही होना चाहिए, लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए, उसको पूरी स्टडी देनी चाहिए और माँ बाप को पूरा साथ देना चाहिए अपने बच्चों का। गांव का नाम रोशन कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है जो लड़की ने बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा, बड़ा नाम हमारे गाँव का रोशन किया है। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनको आगे भी भेजना चाहिए। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।